हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप इजीली अपने बालों को घर पर स्ट्रेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के, बिना किसी प्रॉब्लम के और अपने बालों को नुकसान पहुंचाए बिना। तो चलिए देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस ये बिल्कुल फ्री है, तो चलिए देख लेते हैं। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि काफी बार जब हम पार्लर में जाते हैं तो पार्लर वाले भी बहुत ज्यादा मतलब हाई रेट मांगते हैं स्ट्रेटनिंग करवाने के। तो मेरे साथ भी एक दो बार ऐसा हुआ है, एक दो दफा मैंने भी पार्लर में करवाई है स्ट्रेटनिंग, बट बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए मैं आज बिगनर्स और टीनेजर्स के लिए हेल्पफुल वीडियोज लेकर आई हूँ और इसे कोई भी ट्राई कर सकता है, इसलिए घर पर आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें किसी की हेल्प लेना चाहते हैं तो हेल्प भी ले सकते हैं। और बस जैसे मैंने आपको बताया है, बस इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटनिंग करते हैं घर पर तो आपके बाल ना तो डैमेज होंगे और ना ही आपके बालों की चमक दूर होगी। तो चलिए देख लेते हैं क्विकली कि ये कौन सी टेक्निक है, इजीली आप कैसे घर पर हेयर स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस इजी तरीके की बात कर रही हूँ कि आप इजीली अपने बालों को घर पर स्ट्रेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। तो चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये आयरन और इस आयरन की हेल्प से मैं अपने बालों को स्ट्रेट करने वाली हूँ। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसमें आप चाहें तो अपने किसी सिस्टर वगैरह की, अपनी मदर की हेल्प भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर प्रेस का जो है स्विच लगा दिया है आयरन का। तो यहाँ पे आपको एक चाहिए टॉवल, आप कोई भी स्मॉल टॉवल ले सकते हैं और इसको अच्छे से आपने इस तरह से प्रेस कर लेना है। ये देखिए, इसकी अच्छे से तय कर लीजिए। तो ध्यान रहे यहाँ पर आपको कि आपके बाल हल्के गीले होने चाहिए, तो इससे आप इजिली प्रेस कर सकते हैं अपने बालों को, मतलब कि स्ट्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है, आप देख सकते हैं, और अपने बालों को पार्टीशन कर लीजिए। नेक्स्ट आपको इसके लिए चाहिए एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर पतंजलि की एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट प्लांट वाली भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं या फिर आपके पास जिस भी ब्रांड की हो आप वो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एलोवेरा जेल और खूब आपने भरकर लेनी है एलोवेरा जेल। देखिए, अपने बालों को पार्टीशन कर लीजिए और इस तरीके से आपने अपने बालों में अच्छे से एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेनी है और इसे लगाने के बाद आपने अपने बालों में एक बार और अच्छे से कॉम कर लेनी है। नेक्स्ट मैं अपने बालों को यहां पर थोड़े से अपने बाल लेकर पीछे टाई कर लूंगी इस क्लचर की हेल्प से। और आपने थोड़े थोड़े सेक्शन लेने हैं बालों की और ताकि अच्छे से स्ट्रेट हो सके। ये देखिए, और ध्यान रहे गाइस कि अपने ईयर्स को बचा के करना है आपने, कि ऐसा ना हो कि आप अपने आप को हार्म कर ले। और धीरे धीरे आपने इस तरीके से प्रेस करते हुए लेकर जाना है इसे अच्छे से। तो देखा आपने कितना इजी है अपने बालों को घर पर ही स्ट्रेट करना। और आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल जरूर कीजिए फ्रेंड्स, इससे आपके बाल जो है डैमेज नहीं होंगे हीटिंग से। तो
एडवाइस देखा आपने कितना इजी होता है बालों को घर पर स्ट्रेट करना, वो भी बिना किसी झंझट के। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही हो। और हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।